हाँ तो मंटर दुल्ली है प्रणाम मौसी खुश रहा। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सुबह हो चुकी है, सुषमा देखो तैयारी के लिए मटर छील रही है, ब्रेकफास्ट की तैयारी। कल आते आते मैंने मेरे दिमाग में आया कि कल ब्रेकफास्ट क्या बनाएंगे, तो मटर का कुछ बनाती थी गांव में, आलू काट के मटर का क्या बोलते हैं उसको यार, हम लोग गांव में आलू चाप बोलते थे, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते, बहुत मज़ा आता है। मैंने वो सोच के मटर लाया कि वो ऐसा बनाएगी, अब देखो क्या बनाती है। ज़्यादातर मैं ब्लॉग जो बनाता हूँ ना छुट्टी के दिन, सुषमा को हेल्प करता हूँ संडे छुट्टी के दिन, तो मैंने सारे इतने बर्तन धोए। तो सुषमा मटर छील रही है, जब तक मैंने बर्तन धो दिए, मिल के काम करेंगे तो फटाफट होगा। अब बच्चे दोनों सोए हैं, अभी सुषमा बात कर रही है उसके घर से, उसके मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी पापा का फ़ोन आया है, तो देखो बात कर रही है मटर छीलते हुए, फोन पे बात करते हुए मटर कैसे छीलते हैं देख लो, ये ऐसे फोन पे बात करते हैं एक हाथ से मटर छीलेगी तो हने लोगन कैसे हवा जा। तो सुषमा भोजपुरी में बात कर रही है, गांव में ऐसे ही बात करती है, ठीक है अभी रोएगी शायद क्योंकि माँ की याद आ रही है। बोलते रो नहीं रही हूँ मुझे लगा ठीक हवा ना। तो देखिए मैंने सुषमा को बोला कि जाओ नहाओ, तो नहीं फटाफट देखो ब्रेकफास्ट में डाल दी मटर और पास्ता, और मैंने बोला मैं सफाई करता हूँ, देखो सफाई भी करने लगी, ऐसी होती है बीवी। मैं बोला मेरा छुट्टी मैं कर दूंगा लेकिन नहीं, फिर से मालूम चल रहा है थकी हुई है क्या हुई है। देखिए हमारे जूते चमकते हैं ना, उसका राज ये है, मना करते करते सारे काम कर दिया, हमारे बच्चे अभी उठ गए हैं। मैंने इसे योगा भी होता है, इसे सड़क सड़क के मस्त पोछा मारो योगा होता है, अच्छा खासा पैर हाथ सब चलता है ना, तो मस्त योगा होता है। आप लोग भी ऐसे मारा करो घर में पोछा, बीवी भी खुश रहेगी और योगा भी हो जाएगा, मस्त डबल काम। मेरा हाउस पूरा क्लीन हो गया, सुषमा आगे पूजा पाठ करके भी चली गई है भगवान का, अब सुषमा बना रही है ब्रेकफास्ट। नहीं है बेटा पास्ता, पास्ता है बेटा, छी ना दिखाओ 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 कीड़े दिखाओ, कैसा है कीड़े हैं क्या इसके अंदर, हे भगवान कैसे दिखाती है। मेरा पास्ता बनने वाला है, तो मेरा पास्ता मैं भी अपना जा रहा हूँ खाने के लिए, मैं बालकनी में खाऊंगा और काम करते रहूँगा। ये मेरा है, ये पापा का है, ये आपका है, ठीक है पापा ए, मिया ए। शुटो, शुटो दे। पापा मस्त लग रहा है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए बीच पे, मैं डॉल भी ली हूं अपना, वो अभी से खुश है, आज का दिन बच्चों के नाम ये। अभी तक पीछे रह गई, देखो धीरे धीरे दिव्यांशी आ रही है। तो गाइस ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप है, सर्दी है, धूप में अच्छा लग रहा है इस वक्त। तो हम लोग आ गए नागांव रेलवे स्टेशन, यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आ रही है 5 मिनट पे, टाइमिंग है 3:39 PM। हाँ देखो आगे नाला सोपारा स्टेशन, आज छुट्टी के दिन भी कितनी भीड़ है, संडे है बहुत भीड़ है, क्योंकि छुट्टी के दिन संडे को ट्रेन कम चलती है। तो ये है नाला सोपारा का बस डिपो, हमें थोड़ा और आगे जाना है, बस पता नहीं कौन सी जाती है, हमें पता ही नहीं ना। अरे भैया तो हम लोग ये ऑटो में बैठ रहे हैं, यहाँ से 150 रुपया दे के बीच में छोड़ेंगे भाई साहब एकदम, आपको यहाँ से शेयरिंग मिलेगा, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, और हमें लेट भी हो चुका है, हमारे पास बच्चे भी हैं। अब नज़ारा देख के जाओ, अकेली जा रही है, ऑटो से पूछा तो बोला 200 रुपया, ये भाई साहब मिले हमको 150 रुपया में, कदम बीच पे छोड़ेंगे, कदम बीच पे। यार नाला से बड़ा बहुत डेवलपमेंट है यार, रास्ता देखो ना मस्त है, गांव साइड से जा रहे हैं ना। कौन से एरिया भाई साहब, मलम रोड है, खेती किए हुए हैं यहाँ पे लोग, कहीं जा कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है कि नीचे चल चल के घूमो मजा आएगा, सब एरिया इतना अच्छा लगता है यार, और ज़्यादातर बंगलो टाइप का देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बंगलो बना के रखे लोग, छोटा बंगला है। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं,
मैं केरला एकदम केरला जैसा लग रहा था। तो पहुंच गए भाई, अभी यहाँ से चल के जाएंगे। तो अभी हम चल के जा रहे हैं यहाँ से, और रिक्शे वाले ने बोला बीच तक छोड़ूंगा, बीच तक छोड़ा नहीं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। हाँ, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे, हमें खुद आइडिया ही नहीं था, बीच में छोड़ के निकल गया बंदा। देखो जा रहे हैं सब रिक्शे से, हम लोग वॉक करके जा रहे हैं, किस पे भरोसा करें किस पे नहीं पता नहीं चलता। अभी तक चले जा रहे हैं, पहुँचे नहीं। गाय है बीच में, गाय। कोई बंदा कम पैसे में छोड़ने को तैयार होता है 150 में ना, आप समझ जाना आपके साथ झोल करेगा, तो बी केयरफुल। इधर देखो मूली का खेत, सुषमा मूली लगा हुआ क्या ये ना? मूली है ना? वाह, कितना गांव की याद आ गई देख के भाई साहब। ये तो दिव्यांशी सो गई, घिर रही है बार बार इधर उधर, इसको संभालना। देखो मुझे पसीने पसीने हो गए यार। ये भी पता नहीं किस चीज़ का खेती है, लेकिन मस्त कलरफुल खेती है। तो ये आ गए शायद हम लोग, बीच सामने दिख रहा है। हाँ, लेकिन पसीने पसीने हो गया चल के। है गाइस कलम बीच नाला सपारा। अरे अंदर तक गाड़ी लेके भी आ गए लोग, चारों और बीच में गाड़ियां भी लेके आ गए कार, और यहाँ पे झूले वूले भी लगे हुए हैं सब, देखो बच्चे के लिए। इट्स नाइस। सुषमा को इतना खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर हम बहुत सारी एक्टिविटी करने वाले हैं, बहुत इंजॉय करेंगे, पानी में भी जाएंगे, नहाएंगे, बच्चे भी खुश हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइज। बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।